दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ये जो वाइट रबड़ है एक एल्यूमिनियम डोर में कितना लगता है या कितने रुपए का लगता है वाइट रबड़? तो ये जो वाइट रबड़ है ना, तो इसका कैलकुलेशन करने के लिए आपको बता दूं कि ये एक फुट जो रबड़ है तो इसका वजन हमारा लगभग 25 से 28 ग्राम के बीच में आता है, यानी कि एक फुट में 25 ग्राम वेट आप ले लीजिए। और ये हमारा जो रबड़ है 130 से 40 रुपए के बीच मिलता है, 130 से 40 रुपए के बीच, यानी कि एक किलो का 140 लगा लीजिए। चलो आप अच्छा सबसे बेस्ट क्वालिटी है जो 140 रुपए लगा लीजिए, तो 140 यानी कि 100 ग्राम हो गया 14 रुपए का, और 25 ग्राम है जो 25 ग्राम हो गया अपना तकरीबन 3.5 रुपए फुट का इसका जो वाइट रबड़ है इसका खर्चा है। तो अब एक डोर में आप कितना, मतलब ये शीट है 36 इंच 3 फुट और 2 फिट ऐसे हो गई और 2 फिट ऐसे हो गई, 3 और 3 6 और 2 8 और 2 10 10 फुट हो गई। तो 10 फुट में हमारा 250 ग्राम रबड़ लग गया और 10 फुट में 3.5 रुपये के हिसाब से 35 रुपये का रबड़ हो गया। तो अब आपको पता चल गया होगा कि एक डोर में, मतलब ये 2.5x7 का एल्यूमिनियम डोर है, तो उसमें 35x70 रुपये के लगभग ये वाइट रबड़ है जो लगता है। तो अब आपको समझ में आ गई होगी बात, ये वाइट रबड़ आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इसमें पूरी समझ आ गई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।